नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्टिकल पाथ। ऑप्टिकल पाथ के अंदर ये टॉपिक क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसकी ज़रूरत क्या है, इसको समझते हैं। अब प्रॉब्लम एक है कि मान लो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसमें दो स्लिट्स हैं, ठीक है, और सामने एक स्क्रीन है। इमेजिन करो एक लाइट यहाँ से जाएगी, एक लाइट यहाँ से जाएगी और वहाँ पर इंटरफेरेंस होगी, डिस्ट्रक्टिव या कंस्ट्रक्टिव कुछ भी। हमारी अजम्पशन है, हमने एक्सपेरिमेंट किया वैक्यूम के अंदर, हमने कहा कि ये दोनों की दोनों वेव किस में जा रही हैं, इन वैक्यूम जा रही हैं। वैक्यूम ने उसने कितना रास्ता कवर किया, जैसे इसने 5 लैम्डा कवर किया तो इसने 3 लैम्डा कवर किया। मैंने वेव बना बना के आपको लास्ट टाइम दिखाई भी थी, तो अलग अलग रास्ता कवर किया और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, 5 लैम्डा में से 3 लैम्डा माइनस करके 2 लैम्डा आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। लेकिन आपकी प्रॉब्लम में वो हो सकता है ऐसे कहे कि यहाँ पे रास्ते में मैंने एक ग्लास स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब एक जगह तो वैक्यूम ही है लेकिन दूसरी जो वेव है वो वैक्यूम की जगह ग्लास स्लैब में एंट्री कर रही है। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई, क्यों? ग्लास स्लैब में एंटर करते ही जो आपने फॉर्मूला याद कर रखे हैं कि पाथ डिफरेंस एन लैमडा पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, 2n-1 λ/2 पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, ये सब फेल है। फेल क्यों है? क्योंकि वो डेरिवेशन जो थी वो ये एज्यूम करते हुए थी कि दोनों की दोनों लाइट किस में ट्रेवल कर रही है, इन वैक्यूम। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक मीडियम तो वैक्यूम है और दूसरा ग्लास स्लैब हो गई। अब मैं वो फॉर्मूला लगा नहीं पाऊँगा, क्यों? क्योंकि ग्लास स्लैब के अंदर एक प्रॉब्लम है, स्पीड ऑफ लाइट स्लो डाउन हो जाएगी। वैक्यूम में तेज स्पीड होती है, ग्लास स्लैब में स्लो हो गई। तो ग्लास स्लैब की अगर थिकनेस गिवन है टी डिस्टेंस तक वेव ने रास्ता ट्रेवल किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है म्यू। अब वो ये पूछ सकते हैं वहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा जनरेट होगा, बताओ कौन क्या जनरेट होगा, मैक्सिमा या मिनिमा? अब मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे जो नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं वो तभी काम करते हैं, या तो दोनों वेव्स वैक्यूम में से पास हों या दोनों के दोनों ग्लास स्लैब में से पास हों, मीडियम यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो मैं ये चाहूँगा कि यहाँ पर ग्लास स्लैब की जगह वैक्यूम हो जाए, तब मेरी बात बन जाएगी। अब ग्लास स्लैब में अगर उसने टी डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर ये ग्लास स्लैब ना होती तो यहाँ पर वेव ने शायद ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना था, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है, ग्लास स्लैब में कम होती है। तो ग्लास स्लैब में स्पीड स्लो होने की वजह से दूरी भी कम कवर डिफरेंट कवर की गई होगी और वैक्यूम में दूरी डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास जैसे एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब की थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास स्लैब का 3/2 है, तो ये ग्लास स्लैब में जो भी डिस्टेंस कवर होगा, मैं ये चाहता हूँ कि वो वैक्यूम के इक्वलेंट क्या होगा। मतलब अगर ये मीडियम ग्लास स्लैब ना होती, वैक्यूम होता, तो वैक्यूम में इसका इक्वलेंट डिस्टेंस क्या होता। इक्वलेंट डिस्टेंस का मतलब मीडियम रिप्लेस अगर वैक्यूम से कर दें तो क्या डिस्टेंस लिया जाए। कि मैं ये चाहूँगा कि सारे मीडियम क्या हो, वैक्यूम हो, तो ग्लास स्लैब की जगह क्या लेना पड़ेगा, वैक्यूम। तो ग्लास स्लैब की दूरी किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, वैक्यूम में। तो जो आंसर आएगा कि वैक्यूम में इसकी इतनी दूरी है, उसको ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो ऑप्टिकल पाथ किसी भी डिस्टेंस का वैक्यूम इक्वलेंट डिस्टेंस है। तो वैक्यूम इक्वलेंट डिस्टेंस का मतलब पानी में कोई लाइट जा रही है, उसे 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया पानी में, तो वैक्यूम में क्या कवर किया, उसका ऑप्टिकल पाथ है। ग्लास स्लैब में 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया, वैक्यूम में उसका इक्वलेंट क्या कवर किया, उसका ऑप्टिकल पाथ है। तो ऑप्टिकल पाथ की डेरिवेशन में बता देता हूँ, लेकिन वो करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बेसिकली क्या है, आपको उसे समझने के लिए करना है। उसके बाद आपने कुछ नहीं करना, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या? इमेजिन करो, ये लास्ट टाइम हाइगन्स प्रिंसिपल में किया था हमने, ये वेव फ्रंट आ रहा है, ये वेव फ्रंट रिफ्रैक्ट होकर जा रहा है, लास्ट टाइम किया था हमने, सेम डायग्राम था, एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्रैक्शन सेम है। इन दो ट्राइंगल्स में, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, इन दो ट्राइंगल में म्यू क्या है, साइन आर बाय साइन आर। साइन आई की वैल्यू क्या है, बी सी डिवाइडेड बाई ए सी। साइन आर की वैल्यू क्या है, ए डी डिवाइडेड बाई ए सी। यहाँ से ए सी कैंसिल तो क्या आ गया, बी सी बाई ए डी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, बी सी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ए डी। अब ये आया क्या, ध्यान से देखना, बी सी का मतलब है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वैक्यूम, रेयरर मीडियम, और ए डी का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन डेंसर मीडियम।
अब नोट करें, यहां से इस वेवफ्रंट से लाइट यहां पे आ गई नए वेवफ्रंट में, तो पुराने से नए वेवफ्रंट में डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है, बीसी, और डेंसर मीडियम में पुराने से नए वेवफ्रंट में जाने के लिए डिस्टेंस कितना है, एडी। तो एडी और बीसी आपस में कैसे रिलेटेड हैं ये मैंने निकाल लिया। कि अगर कोई कहता है कि जी मेरे पानी के अंदर तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एडी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो वैक्यूम के अंदर उसका इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या होगा, म्यू टाइम्स एडी। तो इसको यूज़ कैसे कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स में, यूज़ ऐसे कर रहे हैं कि अगर आपके पास मान लो ये 10 सेंटीमीटर गिवन है, अगर आपको ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और कोई पूछ ले वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल इक्विवेलेंट कितना होगा, तो तुम म्यू को 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो यानी 3/2 को 10 से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आएगा, 15 सेंटीमीटर। तो वैक्यूम इक्विवेलेंट 15 सेंटीमीटर है। तो अगर मतलब ग्लास स्लैब में दूरी कवर करनी थी 10 सेंटीमीटर, तो उसी का वैक्यूम इक्विवेलेंट क्या लेना पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर। अब आपका न्यूमेरिकल वैक्यूम में कन्वर्ट हो गया। तो ये मैंने क्या कन्वर्ट किया, इसका ऑप्टिकल पाथ मैंने क्या लिया, इसका ऑप्टिकल पाथ लिया, तो इसका ऑप्टिकल पाथ 15 सेंटीमीटर है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मान लो क्वेश्चन में गिवन है कि मान लो एक मीडियम है वाटर, मान लो रास्ते में वाटर आ गया और वाटर में ये लाइट ट्रेवल कर गई, रिफ्रैक्ट होगी होगी वाटर, मान लो अगर 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है वाटर का, तो वैक्यूम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, वैक्यूम में डिस्टेंस अगर निकालना है तो म्यू को 15 सेंटीमीटर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, 1.5 को 15 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस को ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कि ऑप्टिकल पाथ क्या है इसमें, ठीक।